अभी चल रहा है स्कूल कंपटीशन, स्कूल डिस्ट्रिक्ट सिर्फ अंडर 14, तो चलो आपको एक आधी रेस दिखाई देते हैं। तो अंडर 14 में कि अभी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बाद आएगा स्टेट। तो चलो फिलहाल आप 100 मीटर देख लो, तो चलो ब्रेस्ट स्ट्रोक दिखाते हैं 100 मीटर। तो चलो स्टार्ट करें वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना और चैनल देख लो दोनों। मेरे दूसरे चैनल का लिंक आई बटन में मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करें। जो इनकी हो रही है टाइम ट्रायल हो रही है, कुन्निका करेगी बैक, सूर्यांश भी करेगा बैक, वो करेगी ब्रेस्ट। तो चेक कर लो टाइम ट्रायल आइए। तो इसमें क्या होता है कि इनमें टाइम देना होता है, सिर्फ टाइम टाइम देना होता है। ये देख सकते हो ये स्कूल का स्टेट डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट इसमें इन्होंने टाइम ट्रायल देना है, मतलब कि 23 तैरना होता है, ठीक है। और सूर्यांश और वो बैक कर रहा है कुन्नी का, और अनन्या कर रही है ब्रेस्ट स्ट्रोक। इसने माने 4 राउंड 100 मीटर करनी है, 4 राउंड मारने हैं, ठीक है। ये चेक कर सकते हो आप, कुन्नी का पहुँची और ये समर शॉर्ट, मतलब कि 34 में से 2 निकाल दो, 30 में पहुँच गई। फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम दे रही है, मतलब कि और ज़्यादा कम करना पड़ेगा। और रीज़न क्या है, मैं गलती बता देता हूँ आपको, ब्रेस्ट में क्या करती है कि बैक में देखो इसके गोडे बाहर आ रहे हैं, ये नहीं आने चाहिए। जब गोडे बाहर नहीं आएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, और पैर और तेज चलेंगे। और ये होगा 50 मीटर, 50 मीटर होने वाला है, और ये 50 मीटर, ओके। सूर्यांश भी ओखा सुखा होता करता हुआ 50 मीटर, और ये समर शॉट। चलो तो ये हो गया 50 मीटर इसका, और ये 50 मीटर अनन्या का भी होने वाला है। तो ब्रेस्ट स्ट्रोक में जिसको दिक्कत आ रही है, मैं बता देता हूँ कि ब्रेस्ट स्ट्रोक के ये पैर गलत होते हैं, मतलब कि बिल्कुल ये स्ट्रोक गलत मार रही है, मतलब ऐसे लेग खोलनी गलत नहीं है, पर अभी किस गलत चल रही है, ठीक है। और ये चेक कर सकते हो फिनिश इसने सही क्लियर किया, ठीक है। अभी चेक कर सकते हो इसका होगा फ्री स्टाइल, ये लास्ट है इसका राउंड, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊँ कि जब है ना हमारे साथ कोई खींचने वाला ना हो तो हम अच्छे से तेज नहीं तैर सकते, ये बात अपने याद रखना, मतलब कि पूरी एनर्जी नहीं लगती जब हम अकेले हो ना। बस ये याद रखना कि जब हमने करना है तो हमारे, ओके ये हो गया 100 मीटर, 46 में काउंट किया गया 100 मीटर। और तू क्या देख रहा है? तो फ्रेंड्स ये खींच रहा है सूर्यांश, सूर्यांश का भी 100 मीटर होने वाला है बैक। तो बैक 100 मीटर खींच ले अच्छे से, ये हुआ बैक। और अनन्या का चल रहा है ब्रेस्ट स्ट्रोक, और ब्रेस्ट स्ट्रोक वो भी ख़त्म करने वाली है। चलो ओके सोके ख़त्म तो हो ही जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है स्कूल, मतलब कि मैं काफ़ी इवेंट मिस कर चुका हूँ उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं हो गया लेट, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट लेके आने पर बोला कि बाद में पता चला कि वो अंडर 14 में नहीं खेल सकता क्योंकि वो ऊपर वाली रेस में खेल चुका है, तो अगली रेस में खेलेगा वो। तो अभी अनन्या कर रही है। तो फ्रेंड्स अगर आप ऐसे किक चलाते हो और सोच रहे हो आगे नहीं बढ़ रहे तो नहीं बढ़ोगे। अभी भी अनन्या मतलब कि किक से नहीं आगे बढ़ पा रही है, सिर्फ हाथों से आगे बढ़ रही है। किक से अगर किक से ही चलेगी तो बहुत तेज़ आगे बढ़ेगी, मतलब कि किक की अलग प्रैक्टिस होती है, जिसके ऊपर मैंने ब्रेस्ट की किक के ऊपर वीडियो बना रखी है। तो 100 होगी ख़त्म, तो इसी में हम करते हैं वीडियो, नेक्स्ट स्विमिंग रेस ही जाते हैं। अभी हो रही है फ्री स्टाइल 200 मीटर, मतलब कि 8 राउंड, सबके नहीं कईयों के 50 है, ठीक है। ये गया आयुष, आयुष ने खींची रेस। डाइविंग में आपने चेक किया होगा कि ये होगी 200 मीटर में क्या करना होता है, 8 राउंड मारने होते हैं। तो बस 8 राउंड मारने, तेज तेज आप चेक कर सकते हो। ये है स्कूल डिस्ट्रिक्ट अंडर 14, याद रखना स्कूल डिस्ट्रिक्ट अंडर 14, ठीक है। वो जो परे देख रहे हैं उन्होंने करना है 50 मीटर, इन्होंने करना है 400 मीटर, मतलब कि इन्होंने मारने हैं 8 राउंड। तो चेक कर सकते हैं आयुष चल रहा है, जिसके आयुष के पैर नहीं चल रहे, यही गलती करते हैं कि पैरों के ऊपर वर्क नहीं करते। ये चेक कर सकते हो समर शॉट मारी, और समर शॉट मारने के बाद डोलफिल 2 की बस, ये सकते हो मतलब कि 5 फुट भी इसने पूरा नहीं किया, 5 फुट कहते हैं 5 मीटर भी इसने पूरा नहीं किया, ठीक है फ्रेंड्स। ये चेक कर सकते हो आयुष चला गया, आयुष को गौर से दिखाया जाएगा, चक चक फिर हम कैसे जाएंगे। तो आयुष पहुंच जा रहा है, तो ये 4 राउंड, इन्होंने 8 राउंड मारने हैं। तो फ्रेंड्स 8 राउंड मार के कंप्लीट होएंगे। तो चेक कर सकते हो ये आयुष के लगते हैं फेफड़े फूल के, जिस हिसाब से ये तैर रहा है, ये हुआ समरसॉल्ट डॉल्फिन 1 2 3 3 क्या दे? चेक कर सकते हो जब ओए 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 तो फ्रेंड्स मतलब कि फेफड़े फूलने वाले बंदे भी है, बीच में टेंशन नहीं लेनी। तो
आता हुआ आयुष बेचारे के फूल के फेफड़े, इस लड़के के फूल के फेफड़े, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट करती है, ठीक है ना। बाकी जब चश्मा उतर जाता है डाइव मारते समय तो भी दिक्कत होती है। आयुष खींच रहे, ये रेस हो रही है, ये आयुष चल रहा है, ये सोच रहा कोई आया तो है नहीं, हम आराम से पूरी करेंगे। और जय मारी इसने समरसॉल्ट, और ये एक दो तीन, तीन किक मारी इसने बाहर आया, पर पुश नहीं था दीवार के साथ, ये गलती थी, बड़ी मिस्टेक। और आप भी ऐसी मिस्टेक करते, छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना जरूरी होता है। और अभी आयुष के हो जाएंगे 6 राउंड और उसके बाद रहेगा लास्ट राउंड। लास्ट राउंड में देखते क्या कमाल करता है, खींचता है या नहीं खींचता। और ये चेक कर सकते हो, ये पहुँच गए। और ये हमारी समर शॉट, मतलब कि लेग्स मूवमेंट की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। ये देखो आनंद पर बुरा कर रहा है, जे भी खींच रहा है, वाह 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 वाह, चल। और जे इसके बाद इसका आयर लास्ट राउंड है, ये रिलैक्स मारे। और कोच साहब इसको डांट रहे हुए, ये डांटते हुए, मतलब कि यही कोच है इनके, ओ बटक गया, ओहो, मतलब कि डांट शुरू है, बच्चे के फेफड़े फूल गए और मम्मी डांट रही है। सही बात है, प्रैक्टिस करने के बावजूद भी आप जोर नहीं लगाओगे तो यही हाल होता है। मैं तो सीधे लफेड़े मारता हूँ, सीधी सी बात है, अगर इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी आप गलत करोगे तो गलत बात है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये था 200 मीटर, 200 मीटर में होते हैं 8 राउंड, 8 राउंड कम्प्लीट हैं चुटकियों में, पता भी नहीं चला। और मैंने बातों बातों में काउंट किए, शायद गलत कर लिया ना मैंने काउंट, बाकी वीडियो में तो आपको दिख ही गया होगा। या चक हो रहा है गोल्ड सिल्वर पर, आनंद पर भी कर रहा है, कम्प्लीट ये हो गया कम्प्लीट। इनकी होनी है स्प्रिंट्स है, मतलब कि टाइम ट्रेल है ये भी, तो ये टाइम ट्रेल आप चेक कर सकते हो। इन्होंने करना है 50 मीटर बटरफ्लाई, उन्होंने करना है 50 मीटर बैक, दोनों ने उन्होंने करना है, तीन है फिर बैक में, तो उनके 50 मीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अनन्या का है 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, ठीक है आप चेक कर सकते हो बटरफ्लाई में, और कुन्नी का बैक में जाती हुई, और ये समर शॉल्ट, और उधर से बैक कंप्लीट करती हुई लड़ी, और ये बटरफ्लाई में वापस आते हुए। बटरफ्लाई में मैं एक चीज़ बताता हूँ कि कभी भी बटरफ्लाई में ऐसे फेस नहीं बाहर आता जैसे ये आ रहा है, फेस आगे को रहता है। छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करने होते हैं जो कि हम नहीं करते, वो इंपॉर्टेंट करते हैं। अभी करने का मतलब कि सही है, अगर इतने से पैर बाहर आते हैं तो चलते हैं, पर ज़्यादा पैर बाहर आते हैं तो दिक्कत हो जाती है। और फ्रेंड्स का चेक कर सकते हो, 50 मीटर बटरफ्लाई ये हुई कंप्लीट 50 मीटर, ठीक है 50 मीटर, उधर बैक भी 50 मीटर ख़त्म हो गई, ठीक है। उधर ब्रेस्ट स्ट्रोक चल रही है, और कुनिका का 100 मीटर है, और ये चेक कर सकते हो आप, 200 मीटर ब्रेस्ट, 200 मीटर ब्रेस्ट है फ्रेंड्स, चेक कर लो, ठीक है। और आप देख सकते हो कुनिका कर रही है 100 मीटर बैक, ठीक है। तो अंडर 14 में 200 ये सारा होता है, तो चेक कर सकते हो अपनी रेस। बस ये लास्ट वीडियो, उसके बाद हम वीडियो का एंड कर देंगे, और बस बाकी कुछ मैंने बताया लास्ट में देख सुन लेना। ये 200 मीटर बैक, अच्छा पहले 50 हुई, अभी 200 मीटर बैक है, चेक कर सकते हो आप। पहले 100 हुई थी जिसमें 4 राउंड थे, अब 8 राउंड है, जैसे कि 4 राउंड हो चुके हैं 6, और ये लास्ट का राउंड 4 है, तो चेक कर सकते हो, वही 200 ब्रेस्ट है, 200 में 8 राउंड मारने हैं। जे अपने मनदीप सर खड़े हुए हैं एंड जोश में, चेक कर रहे हैं कौन कैसा तैर रहा है और कौन कितनी रेस हो रही है। और अगर आपने मेरा व्हाट्सअप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, लिंक ज्वाइन कर लेना। तो बस ये स्कूल डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हो, 200 मीटर बैक, ठीक है। अब चेक कर सकते हो पैरों की स्पीड, अगर तेज़ होगी तो और बढ़िया रहेगा। और एक साइड अगर आप देखते हो तो आपको बाद में दिक्कत आती है, और दोनों साइड देखते हो तो बेनिफिट रहेगा, ठीक है। और ये लास्ट राउंड है 200 में, मतलब कि गिनने में राउंड दिक्कत हो जाती है ना, अगर अपने मतलब कि मैं कमेंट्री भी कर रहा हूँ साथ में वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें थोड़ी दिक्कत हो ही जाती है। आप चेक कर सकते हो कुनिका का ये लास्ट राउंड है, ठीक है।
पर अगर देखा जाए तो स्पीड स्लो। बैक में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, बैक में जब भी आप बैक करते हो हैंड नीचे तक जाएगा तो आपकी रेस ऑटोमेटिक मतलब कि स्पीड रहेगी। अगर आपका हाथ ऊपर ऊपर चलेगा तो आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, ये बात नोट रखना। छोटे छोटे टिप्स है साइंस के साथ, अगर आप स्विमिंग करोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आप जैसे चेक कर सकते हो कुंडी का हाथ ऊपर ऊपर चल रहा है, पानी के नीचे नहीं जा रहा है। जब पानी के नीचे जाएगा इसकी बॉडी का जोर लगेगा, जिसके कारण ये बॉडी ऑटोमेटिक तेज खींची जाएगी आगे। ये चेक कर सकते हो पानी के एकदम ऊपर ऊपर चल रहा है, ये पानी के पूरा नीचे हाथ चलता है। ठीक है, मैं एक बार चिंटू को भी दिखा दूँगा। और ये ख़त्म हुई तो चलो एंड करते हैं। बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट चल रहा है, मतलब कि अंडर 14 में इतने डिस्ट्रिक्ट में इतने बच्चे नहीं है अभी, पर फिर भी जो भी रेस हुई मैंने आपको दिखा दी है। जो कमियाँ थे आपने नोट की होंगी तो बढ़िया है, नहीं की तो करनी चाहिए थी। और अभी एक दो रेस हो रहा है पर बस बहुत है, इसी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। स्कूल डिस्ट्रिक्ट था ये अंडर 14। और आज की डेट बता देता हूँ, आज की डेट है 20, महीना आएगा 8वां और 2019, मतलब 20 तारीख 8वां महीना 2019। और ये गोरिस जा रहा है, गोरिस की रेस होगी कंप्लीट, गोरिस जा रहा है। और इनकी तो हैगी प्रैक्टिस, और जिनकी प्रैक्टिस नहीं है उनके फेफड़े फूल जाते हैं। और पुल का नज़ारा कुछ ऐसा है, कोसर आ रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं ये, अभी इनको छेड़ना मतलब नहीं सही रहेगा। तो ऐसा होता है कि जब हम किसी को मेहनत कराते हैं और वो अच्छे से ना करे तो दुखता लगता ही है ना। मेरा तो ऐसा होता है कि हाँ अभी बच्चा क्यों नहीं कर रहा, करनी चाहिए, जब मेहनत की है। अभी छोटे बच्चे तो क्या कर सकते हैं। बाकी बस इसी तरह आपको कंटेंट मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कमजोरियों पे, क्या कमजोरी होती है, क्यों नहीं हम जोर लगा पाते। टिप्स स्विमिंग टिप्स ही आएगी, पर उसमें मैं गलतियां बताऊंगा, मतलब कि ये नहीं बताऊंगा कि अगर आपके पैर नीचे जा रहे हैं तो आप क्या करो। उसमें मैं बताऊंगा गलतियां कि क्या क्या गलतियाँ होती है जिसके हम एफर्ट नहीं मार पाते। ठीक है, कौन सी टेक्निक होती है जो हम नहीं करते, किस चीज़ की हम प्रैक्टिस नहीं करते जिसके कारण हमारी स्पीड हमेशा स्लो रहती है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ते, ये लॉजिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो। और स्कूल डिस्ट्रिक्ट कैसा लगा मुझे बताना कमेंट करके। तो फ्रेंड्स, ये चैनल ऐसे में बाय मनी, जिसके ऊपर आप डिस्ट्रिक्ट देख रहे थे रेस स्कूल की अंडर 14। तो ये टेक्निकल लवली मनी, जिसके ऊपर मैं गैजेट्स की अनबॉक्सिंग करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो जल्दी से। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो।